गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने फेशियल हेयर से छुटकारा पा सकते हैं। क्या है वो टिप, कैसे फॉलो करना है, कैसे उसको बनाना है, बहुत ही आसान तरीका है। किचन में बस आपकी वो चीज़ें अवेलेबल हैं, बाहर से भी आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं। उनको ही मिक्स करके आपको इनको यूज़ करके अप्लाई करना है और उसका रिजल्ट इतना अल्टीमेट रहेगा कि आप भी कहेंगे कि काश पहले पता होता। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है वो तरीका। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में वीडियो को शेयर करना और छोटा जो टन टन घंटी आइकन होता है ना उसको प्रेस करना कभी ना भूलें और प्रेस करते टाइम ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है @healthtime। गाइस फेशियल हेयर की प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है ना। बहुत सारे लोगों के बहुत तरह के फेशियल हेयर्स होते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो होते क्यों हैं। अगर जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम हमारे बीच में होती है, अगर हमारे पेरेंट्स को या दादा दादी को ये प्रॉब्लम रही है तो हमारे फेस पे भी बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स होते हैं। दूसरा ये होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, हमारे हार्मोनल में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है। जैसे बचपन में क्या होता है, हमारा फेस बहुत क्लीन होता है, बॉडी बहुत क्लीन होती है, लेकिन बड़े होने के बाद हमारे स्किन एरिया में, अपर लिप्स पर, गालों के यहाँ पर, साइड लॉक्स में बहुत ज़्यादा बाल आने लगते हैं, है ना। वो प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी बॉडी में अगर हम अनहेल्दी खा रहे हैं या फिर अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे हैं या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स हैं ना उसमें इम्बैलेंस होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस पर बालों की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको कम करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वैक्स करवाते हैं। लेकिन वैक्स मैं आपको कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी, बिकॉज वैक्स से क्या होता है, आपकी स्किन पर एजिंग बहुत जल्दी आता है। जैसे अगर आप अपनी स्किन को पुल आउट करेंगे, ठीक है, तो आपकी स्किन उससे सैग करने लगती है, लटकने लगती है। तो आपको क्या करना है, वैक्स अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग ब्लीच यूज़ करते हैं, ब्लीच फिर भी बेटर तरीका है क्योंकि ब्लीच से क्या होता है, लेकिन एक्टिवेटर अगर आप उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी जो डीप लेयर्स होती हैं स्किन की वो डल पड़ने लगती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो आपकी स्किन धीरे धीरे डार्क पड़ने लगती है, ठीक है, आपकी स्किन अनइवन होने लगती है, पिगमेंटेशन आने लगती है। बहुत सारे लोग तीसरा तरीका आजमाते हैं, वो क्या होता है, रेजर, यानी जो आजकल अवेलेबल है गर्ल्स रेजर वो यूज़ करते हैं, तो वो तरीका भी बेटर है। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स को फेस ही ना करना पड़े, इन तीनों तरीके को चूज़ करना ही ना पड़े, जो नेचुरल तरीके से आपके जो अगर अनइवन स्किन है उसको भी इवन करेगा, पिगमेंटेशन को भी हटाएगा और आपके फेशियल हेयर को भी रिमूव करेगा। ये वाला ट्रिक आप लोग अपने बच्चों के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उनके भी फेस पे या बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर्स है तो सेम चीज़ें आप उनको भी अप्लाई करके उनकी इन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। गाइज अब इस फेशियल रिमूवर रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमारा इंग्रेडिएंट है जो है गेहूं का आटा, जो आपने 1 स्पून ले लेना है। गेहूं का आटा क्या करता है, आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से चिपक जाता है और आपके जितने भी फेशियल हेयर हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ये रिमूव करने का काम करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे लिकोरिश पाउडर, यानी मुलेठी पाउडर, जो आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से या आयुर्वेदिक स्टोर से आपको इजिली मिल जाएगा, तो वो हमें इसमें ऐड करना है 1/4 स्पून। साथ में तीसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी। हल्दी भी आपकी हेयर ग्रोथ को स्लो डाउन करती है और आपके हेयर्स की जो ग्रोथ है उसको हार्ड से सॉफ्ट बनाती है। हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है बादाम का तेल। यहाँ पे मैंने लिए बादाम रोगन श्रीन। आपको हेड वाला ऑयल यूज नहीं करना, फेस वाला ऑयल आपको यूज करना है, मेक श्योर। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब हम ये चीज लगाएंगे अपने फेस पे तो आपकी स्किन को ये ड्राई ना करे, तो सिर्फ मेरा पर्पस यही है और ये आपकी अनइवन स्किन को भी इवन करता है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 स्पून आलमंड ऑयल। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 स्पून बेसन। इतनी ही क्वांटिटी आपने लेनी है बिकॉज हम फेस के लिए बना रहे हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इसमें लुकवॉर्म वाटर डालेंगे एंड थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेक श्योर कि आपने जब इसका पेस्ट बनाना है तो ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही पतला हो, क्योंकि थोड़ा सा हमें थिक ही रखना है इसको अप्लाई करने के लिए, ताकि जब हम उसको अपने फेस पे रब करें तो हमारे जो बेबी हेयर्स हैं या जो फेशियल हेयर्स हैं वो अच्छे से खिंच जाएं। अब इसमें हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे फिटकरी का पाउडर। फिटकरी वही वाली है जैसे जो आप हमारे घर में भाई या जो पापा लोग अपनी शेविंग के बाद में यूज करते हैं अपने फेस पर, उसी को मैंने माम दस्ते में इस तरीके से कूट लिया है और उसका पाउडर हमें इसमें ऐड करना है। ये ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो फिटकरी का पाउडर होता है वो आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है, तो इससे आप नोटिस करेंगे कि आपकी हेयर ग्रोथ पहले से कहीं ज्यादा कम हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर मेरा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो अगर आपके अपर लिप्स पे बहुत ज्यादा हेयर है या आपके साइड लॉक्स से
फेस के जो साइड लॉक्स पे आपके बहुत ज्यादा हेयर्स है तो आप अपनी फिंगर टिप्स पे इसको लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। बहुत ज्यादा आपने थिक लेयर अप्लाई नहीं करनी है ना ही बहुत ज्यादा पतली, नॉर्मली आपने अप्लाई करना है और कम से कम इसको सूखने में आधा घंटा जरूर लगेगा। तो आप हाफ एन आवर के लिए इसको अप्लाई करो, बिल्कुल ड्राई आउट होने दें। जब जैसे ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो इसको आपको अपवर्ड पोजीशन में, यानी आपके हेयर्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरीके से हार्ड थोड़े से अपने हाथों को रखकर देन ऊपर की तरफ इसको आपने रब करके उतारना है। इस प्रोसेस को आपने वीक में 2 times फॉलो करना है। अगर आप जब इसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद रब करेंगे तो नोटिस करेंगे कि आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा लाइट हो गई है। और जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करे हैं उसका बेनिफिट क्या होगा, आपकी स्किन को नेचुरली लाइटन करके ब्राइटन करेगा, आपकी अनइवन स्किन को इवन करेगा, मतलब अगर आपके पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, तो वो भी इससे रिमूव हो जाएगी। आप चाहें तो इस पूरे पैक को एज अ पिगमेंटेशन पैक की तरह भी इस्तेमाल करके पानी से वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपना पूरा पैक उतार लिया है। अब मैं नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी, उसके बाद अपना कोई भी मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल आप अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बस आपको पता है लाइक करना है, वीडियो को जमकर शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और मैं ऐसे ही हमेशा आपके लिए कुछ नया लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।